में पीड़िता के घर जा रहे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को पुलिस के द्वारा नजरबंद किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर लखनऊ से 10 लोगों का डेलीगेशन और आगरा से समाजवादी व्यापार सभा के निवर्तमान महानगर अध्यक्ष राकेश अग्रवाल अलीगढ़ के लिए गैंगरेप पीड़िता के निवास पर जाकर मिलने जा रहे थे। जैसे ही वे लोग अलीगढ़ की ओर कूच कर रहे थे, दमनकारी सरकार के लोगों ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में काफी नोकझोंक हुई। उसके बाद वे लोग धरने पर बीच रास्ते में ही बैठ गए और जमकर प्रशासन व योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि हम लोगों की बात नहीं मानी जा रही, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहां से नहीं हटेंगे। वहीं कुछ सिपाहियों की गिरफ्तारी भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने सभी को बाइज्जत रिहा कर दिया। सरकार को चेतावनी दी कि सरकार उत्तर प्रदेश में फेल है, योगी जी आप अपना इस्तीफा दे, प्रदेश आपसे नहीं चलेगा। महानगर अध्यक्ष व्यापार सभा राकेश अग्रवाल ने कहा, समाजवादी कभी किसी से नहीं डरते। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जेलों से ही संघर्ष करके जनता की आवाज बुलंद की है और आगे भी करती रहेगी। अब अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते महिलाओं से अपराध, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, वैश्विक महामारी की स्वास्थ्य सेवाएं, किसान समस्या, व्यापारियों के साथ आए दिन लूट हत्याकांड, अगर इस बहरी गूंगी सरकार ने समाधान नहीं किया तो समाजवादी पार्टी जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर कर अब आंदोलन करेगी। प्रदर्शनकारियों में समाजवादी व्यापार सभा महानगर उपाध्यक्ष देवेंद्र यादव, उपाध्यक्ष रूपेश राठौर, अनिल चौहान, राकेश अग्रवाल, राहुल माहौर, डीके यादव, गोविंद वर्मा, अनुज गुर्जर, हरीश संतोष बघेल आदि सपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। नाम बता दीजिए। राकेश अग्रवाल, निर्वाचन महानगर का समाजवादी व्यापार सभा आगरा। जो आपके साथ ये बस सलूकी हुई है, जिस तरीके से आपको रोका गया, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? देखिए, हम लोग आज मनीषा से परिवार वालों से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार के मुनिंदों ने हमें हाथरस में रोक लिया। हम लोग इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एसडीएम साहब और सीओ साहब लगातार हम लोगों को अड़गाते रहे, लेकिन हम लोग अपनी जिद पड़े रहे और हम लोग धरने पर बैठ गए। हमने कहा कि हम लोग हर हाल में मिलके जाएंगे, लेकिन सरकार जिस तरीके से आज इशारों पर ये लोग काम कर रहे हैं, सरकारें तो आती जाती रहती है। हमने एसडीएम साहब को भी यही बताया कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन आज इस बच्चे के साथ इतना घृत, और अभी एक और द्वारा अपने ही प्रदेश के अंदर एक और बलरामपुर में हो गया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सोए हुए हैं। हम इन्हें जगाना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री को ये इस्तीफा दें। ये कहते हैं, हम लोग मांग करते हैं, अगर इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी रोड पर उतर कर सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी और योगी सरकार को बर्खास्त कराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगी।